हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस मंच में। फिर से वही टॉपिक जो पूरा नहीं हो पाया था हमारा अभी, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। इसमें हम लोगों ने सामाजिक सशक्तिकरण कर लिया था और सांप्रदायिकता का टॉपिक फिनिश कर दिया था। आज हम क्षेत्रवाद लेकर आए हैं और क्षेत्रवाद की बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, क्योंकि एक लिखने में ये चार वर्णों को मिलाकर एक शब्द बना है, बट इसके आयाम बहुत ज़्यादा विविध हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसको हमें कवर करना पड़ेगा। पहले तो क्षेत्रवाद होता क्या है, फिर उसके और जो भी एरियाज़ हैं उससे क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो पहले मैं आपके इसके यहाँ पर समरी बता देती हूँ कि क्या हमने सामाजिक सशक्तिकरण और सांप्रदायिकता में पढ़ा है। तो जैसा कि हर बार मैं बोलती हूँ, जो व्यूवर्स मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल या और ग्रुप्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे आपकी हेल्प हो रही है मेरी वीडियोस देख के, वैसे मैं चाहती हूँ और लोग भी इससे हेल्प पा सकें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि फिर उससे ही मेरी जो लेटेस्ट वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो इसमें आज हम करेंगे क्षेत्रवाद, जो कि GS पेपर 1 का पॉइंट नंबर 7 है। और जैसे ही ये ख़त्म होता है मैं इसका PDF आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूंगी। ये आप सब अर्थ, घटक और तत्व ये आप देख सकते हैं। किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था कि घटक और तत्व सेम होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये अर्थ मैंने किया था और ये है इसका घटक। घटक होता है कि सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है, इसके क्या सूचक हैं, क्या क्या ऐसे हम सिम्टम्स, घटक को आप सिम्टम्स देख मान सकते हैं कि ऐसे सिम्टम्स क्या हैं या कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं जिससे पता चलता है कि सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है। तो ऐसे सिम्टम्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे, या कैरेक्टरिस्टिक्स में सामाजिक सशक्तिकरण का ये घटक लिख सकते हो। और तत्व वो होते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके सामाजिक सशक्तिकरण हम बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि सूचनाओं कि पहुंच अगर हमारे पास होगी, सूचनाओं तक हम पहुंच सकते होंगे तो हमारे मेंटल डेवलपमेंट होगा और फिर हम अपने समाज को सशक्त बना सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन सशक्त होगा तो उसके साथ और भी जनता साथ में जुड़ी हुई होगी, इंक्लूड होगी। तो तत्व अलग होते हैं, घटक अलग होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक बार और इसे बाद में क्लियर कर दूंगी। हमने सांप्रदायिकता में देखे थे अर्थ, कारण, दुष्परिणाम, सरकार द्वारा किए गए प्रयास और सुझाव। सुझाव में भी हमने इसमें अल्पकालिक सुझाव और दीर्घकालिक सुझाव देखे थे। ये आप देख सकते हैं, अर्थ इसका देखा, कारण देखे थे, काफ़ी सारे इसके कारण थे, और इसका क्या क्या दुष्प्रभाव होता है इसके अलावा भी और पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, इसमें और भी प्रयास किए गए हैं सरकार द्वारा, जो आप इसमें डालेंगे अपने आंसर राइटिंग में। सुझाव में अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुझाव थे, तो ये है अल्पकालिक सुझाव और ये आपका यहाँ पर दीर्घकालिक सुझाव। तो आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे कहाँ सुधार की आवश्यकता है और आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है मैं उसको क्लियर कर सकूँ आप लोगों को। और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे जैसे आप भेजते हैं भेजते रहिए, ताकि मैं डेली के डेली आपके लिए एक वीडियोज़ नई लेकर आऊँ और हमारा कोर्स कम्प्लीट हो। अब ये देखिए, क्षेत्रवाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आशय पढ़ेंगे, क्षेत्रवाद और पृथक राज्यों की मांग पढ़ेंगे, क्षेत्रवाद और अंतर राज्य तनाव जो होता है वो देखेंगे, क्षेत्रवाद और केंद्र राज्य का संघर्ष होता है वो देखेंगे, क्षेत्रवाद और संघ से पृथकता ये इसके बारे में जानेंगे। अब ये तो टॉपिक जो मैंने चार ये कराए हैं टॉपिक, ये वाले ये फोर टॉपिक्स ये है, ये एज अ होल ऐसे ही एग्जाम में आ सकता है कि क्षेत्रवाद और अंतर राज्य तनाव के बारे में समझाइए या बताइए ऐसा कुछ करके, या क्षेत्र राज्य और अंतर राज्य तनाव का एक विस्तृत विश्लेषण कीजिए। तो इसमें आपको आज जो चल रहा है लेटेस्ट में टॉपिक और जो पीछे हो चुके हैं काफ़ी सारे तनाव के किस्से जो कि हम डिस्कस करेंगे इसमें, तो वो सब आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है, या तो 125 वर्ड्स में आएगा और वही 200 वर्ड्स में भी सेम क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन की प्रकृति में कोई चेंज नहीं होगा, बस थोड़ा सा आपको अपनी बात
वहीं अगर 125 वर्ड्स में आता है तो 125 वर्ड्स में अपनी बात कहनी है वही बात, और वही बात 200 वर्ड्स में थोड़ा सा फैला के और अच्छे से इलेबोरेट करके आपको बताना होगा। तो इसके क्वेश्चन के नेचर में एग्जाम में कोई फ़र्क नहीं है, 125 और 200 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, एक दो पेज इंसान अपनी मर्जी से भी लिख सकता है, तो क्वेश्चन पेपर अच्छा आएगा मेरा जहाँ तक अनुमान है। हम इस पर भी डिस्कस करेंगे, पहले ये कोर्स कम्प्लीट करते हैं अपना। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके क्या क्या उत्तरदायी कारक होते हैं, क्षेत्रवाद क्यों फैलता है, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान हेतु क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, पर्सनली अपने उपाय देखेंगे कि एज अ ऑफिसर आप क्या उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सरकार के प्रयास, सरकार ने ऐसे कौन कौन से प्रयास किए हैं जिससे क्षेत्रवाद को बढ़ावा ना मिले, और फिर हम बात करेंगे नए राज्यों के गठन की मांग को लेकर कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं हमारे देश में जो अपने से अलग नए राज्यों के गठन की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, इन सब के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रवाद का क्या आशय होता है। तो इसको समझने से पहले मैं एक आपका कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ, आपका माइंडसेट समझाना चाहती हूँ कि जैसे आप लोगों को सबको पता है कि जो हम लोग मनुष्य हैं हम एक सामाजिक प्राणी हैं, बिना समाज के हम लोग नहीं रह सकते हैं, हम लोग समूह में रहते हैं और समूह के साथ हम लोगों का भावनात्मक संबंध जुड़ा हुआ होता है, और इसके कारण ही हमारा जिस समूह में हम रहते हैं उस पर्टिकुलर समूह के प्रति लगाव भी उत्पन्न होता है, लगाव का भाव उत्पन्न होता है, और ये भाव उसमें सुरक्षा की भावना का भी विकास करता है कि हम इस पर्टिकुलर समूह में हैं तो हमारा जो लगाव है उससे और हम सुरक्षित भी महसूस करते हैं उस समूह में, और इसी तरह उसकी उन भौगोलिक परिस्थितियों के प्रति भी आस्था उत्पन्न हो जाती है। कोई कितनी भी जटिल परिस्थितियों में रहे लेकिन वो जहाँ रहता है उसको वो परिस्थिति उसके अकॉर्डिंग सही लगती है, दूसरा वाला ये नहीं समझ सकता कि वो उसे क्यों अच्छी लग रही, क्योंकि उसका एक भावनात्मक जुड़ाव होता है उस भौगोलिक क्षेत्र से, और जिसमें वो रहता है उसके सांस्कृतिक समानता के वो तत्वों को महसूस करता है, उसकी संस्कृति क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसको महसूस करता है। इसके जरिए ही वह विभिन्न जो उसके सामाजिक हित होते हैं, जो उसकी इच्छाएं होती हैं समाज में रहने की, वो भी सामाजिक समाज में रहने से ही उसकी पूर्ति होती है। तो यहाँ पर भौगोलिक रूप से किसी स्थान पर कुछ प्रक्रिया या धारणा समाज के अन्य भागों से भिन्न हो सकती हैं और वे लंबे समय से चली आ रही हो, तो उस भाग को एक क्षेत्र कहा जा सकता है। इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, कोई आदिवासी क्षेत्र है तो उसकी जो प्रतिक्रिया है, उसका जो कल्चर है, उसका जो त्यौहार मनाने का तरीका है, वो सब अन्य क्षेत्रों से भिन्न हो सकता है, तो इसको एक पर्टिकुलर हम क्षेत्र कहेंगे कि ये एक पर्टिकुलर आदिवासी क्षेत्र है। ये जो भिन्नताएं होती हैं ये भौगोलिक स्तर पे हो सकती है, धार्मिक स्तर पे हो सकती है, भाषाई स्तर पे हो सकती है, रीति रिवाज संबंधी हो सकती है, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आदि किसी पर भी आधारित ये क्षेत्र हो सकता है। लेकिन किसी भी क्षेत्र के पृथक स्वरूप में सबसे बात प्रमुख बात अगर हम बात करें तो वहाँ के लोगों में समानता और समरूपता की होती है, और दूसरे क्षेत्र से अलगाव की वहाँ भावना आती है। मीन्स कि हमारा जो ये कम्युनिटी है, हमारी जो ये क्षेत्र है, वो एक पर्टिकुलर और जितने भी क्षेत्र हैं इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं भी बात कर लो आप, तो वो उससे हमारा क्षेत्र बिल्कुल अलग है, यूनिक है, हमारा कल्चर अलग है, तो ये उनके अंदर भावना हो जाती है कि हमारा पर्टिकुलर क्षेत्र बेस्ट है, या चाहे वो कमी हो तो उस कमी को भी स्वीकार करते हैं, उसके लिए ही आंदोलन चलते हैं, और अगर वो अच्छा है तो वो तो ऑब्वियस अच्छा है ही, तो यहाँ क्षेत्रवाद के रूप में ये समझा जा सकता है। तो ये नॉर्मली मैंने आपको समझाया कि क्षेत्रवाद होता क्या है, कई क्षेत्रवाद भाषा के स्तर पे, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, रीति रिवाज, भौगोलिक, किसी भी क्षेत्र पर आधारित वो हिस्सा होता है जो अन्य किसी समूह से अलग होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो हम यहाँ बात करें, ये तो नॉर्मल मैंने आपको समझाने के लिए बताया, अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे एज अ डेफिनेशन तो आप यहाँ लिखेंगे किसी क्षेत्र के लोगों में उस भावना और प्रयत्नों का प्रतिनिधित्व करता है क्या, क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद किसी क्षेत्र के लोगों में उस भावना और प्रयत्नों का प्रतिनिधित्व करता है जिसके द्वारा वह अपने क्षेत्र विशेष के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक शक्तियों में वृद्धि करना चाहते हैं। इसको अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि क्षेत्रवाद का जो आशय होता है वो एक देश या फिर किसी देश के पर्टिकुलर हिस्से में
उस क्षेत्र से होता है जो एक पर्टिकुलर हिस्सा है, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे बोडोलैंड क्षेत्र हो, चाहे तेलंगाना क्षेत्र हो, चाहे मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, जो एरिया एक पर्टिकुलर छोटा सा होता है और जो सामाजिक, आर्थिक, भाषाई, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि कारणों से, कोई भी इसमें से कारण हो सकते हैं, उससे अपने अलग अस्तित्व के लिए संघर्ष करता रहता है, उसी को क्षेत्रवाद कहते हैं। एक पर्टिकुलर क्षेत्र चाहता है कि मुझे अलग से एक अस्तित्व प्रदान हो, मैं एक अलग अस्तित्व लेकर यहाँ रहूँ। जैसे कि जम्मू कश्मीर को इंडिया से अलग करने की बात हमेशा कही जाती रही है, तो इसको एक क्षेत्रवाद के रूप में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल भी आप डाल सकते हैं जो आज के लेटेस्ट सिनेरियो में चल रहा है। तो यहाँ पर और हम देख लेते हैं कि अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो राष्ट्र अथवा राज्य की तुलना में किसी छोटे से क्षेत्र के प्रति लगाव, भक्ति और आकर्षण ही क्षेत्रवाद है। क्योंकि अगर होल इंडिया की बात करते हैं तो ये बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट में बटा हुआ है इंडिया, तो ये जो क्षेत्रवाद का ही प्रभाव था कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, क्षेत्रवाद ही था जो कि ये जो हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल बने हैं, ये क्षेत्रवाद के परिणाम से ही बने हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जो क्षेत्रवाद का परिणाम था। इसका जो उद्देश्य होता है वो संकुचित क्षेत्रीय स्वार्थों की परिपूर्ति होता है। मीन्स को एक छोटा सा एरिया होता है, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे आर्थिक आधार पर हो, राजनीतिक आधार पर हो, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अलगाव चाहते हैं, अपने क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों से अलग करना चाहते हैं, ताकि उनके एक संकुचित उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति हो सके। और ये आप लोगों को पता है, क्षेत्रवाद जो होता है वो राष्ट्रीय भावना के बिल्कुल विपरीत होता है, राष्ट्र के अगेंस्ट होता है, और इसको बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो राष्ट्र जहाँ जिस प्रगति पर चल रहा है उससे काफ़ी पिछड़ा हुआ रह जाएगा। तो हम यहाँ पर क्षेत्रवाद की बात करें तो भारतीय अगर राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो क्षेत्रवाद निम्न बिंदुओं के अंदर देखा जा सकता है, जिसका मैंने अभी सब पॉइंट्स में आपको दिखाया था कि अगर हम क्षेत्रवाद की बात करें तो कई जगह क्षेत्रवाद भारतीय राजनीति में देखा गया है। जैसे कि क्षेत्रवाद होता है तो पृथक राज्यों की मांग हो जाती है, क्षेत्रवाद के कारण ही केंद्र राज्य संघर्ष होने लगते हैं, क्षेत्रवाद के कारण ही अंतर राज्य तनाव होता है, दो राज्य आपस में लड़ते हैं क्षेत्रवाद के कारण, और क्षेत्रवाद के कारण ही संघ से पृथकता, जैसे कि जम्मू कश्मीर चाहता है इंडिया से अलग होना, कुछ लोग चाहते हैं, मैं होल जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगी, वो अलग करना चाहते हैं, तो ये चीज़ होती है क्षेत्रवाद के कारण। तो इन चारों पॉइंट्स को हम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, जानेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं, और डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा क्षेत्रवाद पे। तो चलिए आगे देखते हैं, क्षेत्रवाद और पृथक राज्यों की मांग, बहुत सारे ऐसे आधार हैं, बहुत सारे जब से आज़ादी हुई आप तब से देख रहे होंगे कि क्षेत्रवाद के कारण ही इतने राज्य हमारे इंडिया में अलग हुए हैं, एक बहुत बड़ा राज्य कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है, सिर्फ क्षेत्रवाद के कारण बटा है ये। तो इसके तहत जो देश होता है उसके जो ढांचे के भीतर ही भाषा, पिछड़ापन, भौगोलिक, सांस्कृतिक आदि विशेषताओं के आधार पर एक पृथक राज्य के गठन की मांग की जाती रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पर आंदोलनों आदि के माध्यम से दबाव बनाया जाता है। बहुत से ऐसे आंदोलन आपने आज़ादी के बाद से ही, आज़ादी के बाद तो तुरंत ही आपने सुना होगा, आंध्र प्रदेश को अलग किए जाने की मांग, जो कि हिस्ट्री में आप हमेशा पढ़ते ही हैं, पोट्टीसरी रामुलु की जो आमरण अनशन की कहानी थी वो आप लोग हिस्ट्री में पूरा देख चुके हैं, तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और ये जो आंदोलन होते हैं ये शांतिपूर्ण माध्यम से तो किए जाते हैं, पर कभी कभी ऐसा उग्र रूप ले लेते हैं कि केंद्र सरकार को ये बात माननी ही पड़ती है, फिर वो उनको एक अलग राज्य देना ही पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर पूरी हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे क्षेत्रवाद के कारण राज्यों के गठन हुए। जैसे कि पोट्री से रामोलु की मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग किए जाने की जब मांग उन्होंने की थी तो उन्होंने 58 दिन का आमरण अनशन किया था और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस जब उनकी मृत्यु हुई तो इसके बाद जब राजनीतिक दबाव पड़ा तो पंडित नेहरू ने तेलुगु भाषी राज्य बनाने पर उन्हें, पंडित नेहरू को मजबूर कर दिया गया, क्योंकि इस
आंदोलन के कारण ही इनकी मृत्यु हुई, उन्होंने आमरण अनशन किया और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो ये भाषा के आधार पर पहला राज्य हमारा अलग हुआ मद्रास से आंध्र प्रदेश। तो ये आप एग्जाम्पल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिखिएगा उसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो यहाँ मैंने पॉइंट्स दे रखा है, 22 दिसंबर को जब आंध्र प्रदेश अलग हो गया मद्रास से, उसके बाद फिर डिसाइड किया गया कि अब जो भी जो हमें राज्यों के गठन की जो घोषणा करनी है वो किस आधार पर की जाए। इसके लिए 1953 22 दिसंबर को फजल अजी जो कि एक न्यायाधीश थे उनकी अध्यक्षता में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग ने जब पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 30 सितंबर 1955 को, अपनी रिपोर्ट इन्होंने केंद्र सरकार को सौंपी। ये जो आयोग था इसने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय जो व्यवहार होता है, आर्थिक विकास और अल्पसंख्यक जो हित होते हैं उनकी रक्षा तथा भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बताया था, इन्होंने बनाया। सरकार ने इसकी संतुतियों को मंजूर कर लिया लेकिन उसमें थोड़े बहुत सुधार की इन्होंने गुंजाइश की। इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पास किया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हमारी इंडिया में। इसके बाद 1956 के बाद, और जो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, आप देख सकते हैं इस क्षेत्रवाद ने हमारे राष्ट्र को इतना बांट दिया है आपस में कि इस समय 29 राज्य हैं हमारे देश में। तो आप देख सकते हैं कहाँ 14 और कहाँ 29, कितने टुकड़ों में हमारा इंडिया बट चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, इसके बाद ही 1960 में बम्बई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र गुजरात का गठन किया गया। महाराष्ट्र और गुजरात बम्बई राज्य से अलग हुआ 1960 में। इसके बाद 1962 में 13वां संविधान संशोधन हुआ और उसके जरिए नागालैंड का गठन हुआ था। फिर इसके बाद 1966 में 18वां संविधान संशोधन के जरिए पंजाब का पुनर्गठन हुआ और पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में विभाजित हो गया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं 2000 में जो 84वां संविधान संशोधन हुआ उसके जरिए 3 राज्य बनाए गए, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का गठन हुआ। और ये यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आएगा जो आप लोग अभी लेटेस्ट न्यूज़ में था, 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना 29वां राज्य बन गया। इस प्रकार आंध्र प्रदेश दो अलग अलग हिस्सों में बट गया। तेलंगाना राज्य में हैदराबाद सहित 10 जिले होंगे लेकिन जो कि आंध्र प्रदेश है उसमें 13 जिले होंगे। और इसके साथ ही हैदराबाद अगले 10 वर्षों के लिए दोनों राज्यों की राजधानी बनकर रहेगी। और अब तो काफ़ी चेंजेस भी आ गया है, जो नए लेटेस्ट आए हैं वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये था क्षेत्रवाद और पृथक राज्यों की मांग, ये राज्य की मांग करते गए और हमारा इंडिया टुकड़ों में बंटता गया क्षेत्रवाद के कारण ही। तो इससे काफ़ी फर्क पड़ा हमारे देश की एकता और अखंडता में। तो आज हम लोग सिर्फ इतने ही टॉपिक पे बात करेंगे, राज्यों पृथक राज्यों की मांग और क्षेत्रवाद के बारे में। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसके बाद क्षेत्रवाद और केंद्र राज्य संघर्ष के बारे में, क्षेत्रवाद और अंतर्राज्य तनाव के बारे में, क्षेत्रवाद और संघ से पृथकता के बारे में। इस पर जो रोशनी है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगी, बताऊंगी आपको डिटेल में कि क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, होप आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि कैसी लगी मेरी वीडियोस आपको। आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ तो आपका थोड़ा सा तो मेरे तरफ एफर्ट है कि आप मुझे सिर्फ कमेंट करके बताइए कि वीडियोस कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।